ये जो वीडियो है इसके अंदर इंडियन आइडल से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आपके आते रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक जो सबसे बड़ा कमेंट था वो मैं सबसे पहले रखूँगा, क्योंकि ये जो कमेंट है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी ने मुझसे पूछा, हालांकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जो इंडियन आइडल है या फिर कोई भी रियलिटी शो, सिंगिंग शो हो, हमें कब पता चलता है कि भाई हमारी तैयारी पूरी है और अब हम इस शो में जा सकते हैं, ये हमें कब पता चलता है? तो इसका जो आंसर है वो मैं यही कहना चाहूँगा, कभी नहीं। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी पूरी है, क्योंकि सिंगिंग का, डांसिंग का या किसी का भी कोई लेवल नहीं होता कि हाँ इस लेवल के बाद आप ये कह सकते हैं कि आप एक परफेक्ट सिंगर बन चुके हैं या एक परफेक्ट डांसर बन चुके हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ये है कि आप, तैयारी किसी की पूरी नहीं होती, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है, जाना होता है, कंपटीशन करना होता है, जीतना होता है, आगे बढ़ना होता है और इसी के साथ सीखते रहना होता है। तो तैयारी कितनी भी है, 0 है, 1 है, 2 है, 100 है, कितनी भी तैयारी है आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरा तो जो आंसर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, जाना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको और तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपका हो जाता है तो ये नहीं सोचना कि हाँ भाई अगर सिलेक्शन हुआ तो मेरे अंदर कोई बात है, आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी तो आपको हमेशा करते रहनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ एक जरिया है कि आप इंडियन आइडल में जा रहे हैं, सारे गामा पाप में जा रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, तो ये एक जरिया है गाइस। लेकिन सिंगिंग का कोई भी एक लेवल नहीं होता कि भाई इस लेवल पर आप प्रिपेयर हैं इन शोज के अंदर जाने के लिए। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, सही टाइम पे एक्शन लेना, सही टाइम पे फॉर्म फिल करना, यही वो तरीके हैं जो आपको एंट्री दिलाते हैं। सिंगिंग आपको कभी एंट्री नहीं दिलाती, आपकी किस्मत डिपेंड करती है, आपका फॉर्म डिपेंड करता है, आपका लक, सो, एंट्री, ये सब डिपेंड करता है और उसके बाद आपकी सिंगिंग डिपेंड करती है। तो सिंगिंग में कितना परफेक्ट होना है, कितना नहीं होना, ये सब छोड़ दीजिए, आप बस तैयारी करते रहिए, अपनी सिंगिंग को और अच्छा करते रहिए और फॉर्म को फिल करते रहिए। कुछ नहीं पता आपका कब सिलेक्शन हो जाए, कभी भी हो सकता है गाइस, कब जो जजेस हैं उनको आपकी सिंगिंग पसंद आ जाए। तो आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के कमेंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है उसकी अपडेट ज़रूर दे देना प्लीज़। तो आप इस तरह से कमेंट लिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा तो काम ही यही है, मैं आपको इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो फिर क्यों नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है। हाँ, वो मैं आपको ज़रूर लिंक दूंगा। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, क्या हम जब ऑडिशन देने जाएंगे तो हमें म्यूजिक के साथ वो ऑडिशन देने को अलाउ करेंगे या नहीं? बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि वो रॉ म्यूज़िक गाएंगे या फिर जैसे आप देखते हैं टीवी के ऊपर जो पूरा बैंड वैंड होता है पीछे और आप सिंगिंग करेंगे तो वो प्ले करेंगे, ऐसा नहीं होगा गाइज़। आपको रॉ म्यूज़िक गाना होगा, किसी तरह का कोई बैंड, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ भी नहीं होगा, सिंपल जैसे घर में गाना गाते हैं वैसे ही आपको गाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये इस बहम में मत रहिए कि आपको पीछे म्यूज़िक भी मिलेगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जब सिलेक्शन हो जाता है टेलीविज़न स्क्रीन पे, टॉप 20, टॉप 10 जब निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो वीक परफॉर्मेंस होता है, वीक ऑफ द विनर या फिर सबसे अच्छा किसने इस वीक में किया है, क्या उसको पैसे मिलते हैं? तो देखो गाइस, पैसे तो आप अगर उस कंपटीशन में जा रहे हैं, ऑडिशन में जा रहे हैं, तो मिलते ही हैं पैसे, लेकिन वीक ऑफ द परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस ऑफ द वीक ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो होता है कि आपको मेडल्स मिल जाते हैं, आपको अप्रिशिएट मिलता है, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे दें ऐसा नहीं होता, ये एक कहने वाली बात है। और जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो खर्चा होता है वो तो ये देते ही हैं। एक क्वेश्चन और है, आप देख सकते हैं, फाइनल में सिलेक्शन होने पर क्या कोई टीचर प्रोवाइड करते हैं इनकी तरफ से या फिर नहीं? देखो, अगर कोई शो लिटिल चैम्प, जूनियर इस तरह से आते हैं, यानी जो 15 साल से नीचे वाले ही ऑडिशंस होते हैं, उनमें जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन बड़े शोज में टीचर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। हाँ, रिहर्सल होती है बैकग्राउंड में, आप रिहर्सल करते हैं, आप तैयारी करते हैं अपने सॉन्ग्स की,
लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको टीचर्स भी प्रोवाइड कराए जाएं। आप आपस में डिस्कशन करके उसको बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स जो 18 प्लस वाले जितने भी शोज होते हैं उसमें नहीं होते। नहीं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इधर देख सकते हैं, और परफेक्ट डेट कौन सा है सर? जो परफेक्ट डेट है अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे सुपरस्टार सिंगर ख़त्म होगा वैसे ये शो आ जाएगा, और सुपरस्टार सिंगर को ख़त्म होने में अभी 6 वीक पड़े हुए हैं, और 6 वीक यानी कि 2 मंथ तो पड़े हुए हैं, और अब जब जैसे ही 2 मंथ ख़त्म होंगे वैसे ही आपको जो ये इंडियन आइडल है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑडिशंस होंगे वो आपको विद इन 1 मंथ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऑडिशंस के बाद ही वो टॉप 10 या टॉप 20 वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं वो पहुँचेंगे और शो को स्टार्ट करेंगे, यानी शो स्टार्ट हो जाएगा जैसे सुपरस्टार सिंगर ख़त्म होगा। तो अगर शो स्टार्ट हो जाएगा तो जो ऑडिशंस हैं वो पहले होंगे, सिंपल सी बात है, और शो आपका 2 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप देख लीजिए कितना टाइम है आपके पास। बाकी तो कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ यही क्वेश्चंस थे, बाकी आपका अप्रिसिएशन बहुत है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे सिंगिंग होती है, 1000 से भी ज़्यादा सिंगर्स हैं जो आपको बताते हैं बेसिकली आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सही एनवायरनमेंट बना हुआ है, किसी भी तरह का कोई इसमें स्पैम या फिर वल्गरिटी नहीं फैलाई जा रही, बहुत सही टेलीग्राम ग्रुप है। ज्वाइन करने के लिए आप एक बार ये क्लिप देखिए कैसे ज्वाइन करना है। 882 मेंबर्स हो चुके हैं और 13 ऑनलाइन हैं, और आप सिंपली इस ग्रुप पे जाने के लिए आप लिखिए टुडे ऑडिशन ग्रुप, जो आप देख सकते हैं, स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा इस कुछ इस तरह से है, जो टी है वो आपको बड़ा लिखना है, फिर ODAYAUDITION, फिर स्पेस देके आपको ग्रुप का नाम लिखना है, ग्रुप लिखना है। तो इस तरह से आप इस ग्रुप में आ जाएंगे। अभी फिलहाल कोई भी प्रोफाइल आपको इस ग्रुप में नहीं देखने को मिलेगी, और इस तरह से आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। बाकी अब हम देखेंगे कुछ सिंगर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये सुनते हैं एक क्वेश्चन और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो यही है कि आप हमें ना ये बता दीजिए कि हमारे स्टेट में जैसे कोई पुणे से बोल रहा है या फिर कोई उत्तराखंड से पूछ रहा है या फिर कोई गुजरात से पूछ रहा है, मुंबई से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है, वो ये पूछता है कि हमारे प्लेसेस पे ऑडिशंस कहाँ पे हैं। तो देखो मैं कोई इंडियन आइडल की टीम से नहीं बोल रहा, ना ही मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली होती है, ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन होती है वही मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर वैसे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए, इस वीडियो मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। बाकी गाइज इतने से ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।